दाल में मशहूर है। मेरे मम्मी पापा यहाँ आई है, ये देखो सब फैमिली यहाँ आई है, सारी दुनिया यहाँ आई है, सब फैमिली है। और हम अभी सो रहे थे, सब सारे रात हो गई है 12 के 11 बजे। सब लोग दिल से बनते हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, कभी कभी मेरी भी इच्छा नहीं होती। दिल से सारे लोग बनते हैं लेकिन भगवान कोई बनते। तो बहुत बड़ा ब्लॉग है, हम इन ब्लॉग को लंबा नहीं करना चाहते लेकिन लंबा करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ है तो उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं रहती, तो हम घर से आ रहे हैं और हम एलियन से हम डर है और मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। तो मेरा आज का ब्लॉग यही बनता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं मायके गई थी एक दिन के लिए, तो कुछ काम था मुझे इसलिए, और यहाँ पर ये मेरी दीदी हैं, तो हम मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। तो हम लोग दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में यहाँ पर है मेरे पापा जी, तो मैंने अपने पापा जी को वीडियो में भी दिखा दिया आप लोगों को। और यहाँ पर ये गफार मार्केट है और यहाँ के जो ये है छोले कुलचे बहुत फेमस है गाइस। सीरियसली जब भी आप गफार मार्केट आए तो यहाँ के छोले, स्पेशल वाले छोले कुलचे ज़रूर खाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं और जीजू ने खिलाया था हम लोगों को। हम लोग अभी आ गए हैं गफार मार्केट में, यहाँ पर छोले भटूरे की एक शॉप है, वहाँ से छोले भटूरे खा रहे हैं। तो चलिए खाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मेरी सिस्टर है, मेरे पापा, मेरे जीजू, सब लोग यहीं पर हैं, तो आगे मिलती हूँ मैं आपसे गाइस। तो चलो, एक वीडियो क्लिप मेरे पास पड़ी है तो मैं आप लोगों के साथ मायके की भी शेयर कर दूं। वैसे तो कभी मायके जाना हो ही नहीं पाता कोरोना की वजह से, तो मेरे पास मायके की एक वीडियो थी वो आपसे शेयर कर दी। और सीरियसली गाइस, दिल्ली के गफार मार्केट के ये वाले जो छोले भटूरे होते हैं, सॉरी छोले कुलचे होते हैं, बहुत यम्मी बने होते हैं। तो मेरे पास एक क्लिप थी, मैंने इसी अपने व्लॉग में ऐड कर दिया। ये पुरानी व्लॉग है जब मेरी सिस्टर भी यहाँ पर आई हुई थी मम्मी के पास और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था। और ये देखिए, इतने सारे गाय, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बस अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया है और एक्चुअली सुबह मॉर्निंग से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड कुछ थोड़ा बहुत सामान लाए थे नाश्ते के लिए, तो बस यही वाले हैं किशमिश जो भिगोकर मतलब बोला गया उनको खाने के लिए, तो वो लेकर आए थे। और सब कुछ सैनिटाइज करके मैंने रख दिया है, बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ 1-2 घंटे बाद। और इसके बाद यहाँ पर दाल है मसूर की, बहुत खाते हैं हम लोग मसूर की दाल, बहुत अच्छी लगती है गाइस। और इसके साथ यहाँ पर मैक्रोनी लाए हैं, तक्ष कई दिनों से कह रहा था मुझे मैक्रोनी खानी है, मुझे मैक्रोनी खानी है, इसीलिए उसके लिए मैक्रोनी का पैकेट लेकर आए हैं। राजधानी का बेसन लेकर आए हैं ढोकला वगैरह बनाने के लिए, और ये भी पैकेट, ये सब मैं कम खिलाती हूँ लेकिन फिर भी जाती हूँ तो ले ही आती हूँ, मन नहीं मानता है तो बस चलो ठीक है, बच्चों के लिए सही है। सफोला के ओट्स लेकर आई थी, तो बस ये थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ बहुत दिनों बाद। और कुछ मेरे सास ससुर मुझे भिजवा देते हैं नीचे, बिल्कुल जाने ही नहीं देते मुझे, बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, हम सारा सामान लेकर आ जाएंगे। तो बस यही है मेरे सामान की शॉपिंग। ऐसे आप सभी लोग, कैसे जा रही है आपकी लॉकडाउन? और मैं तो अभी मॉर्निंग में उठी थी और फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो बस यहीं से किचन से ही मेरी शुरुआत होती है दिन की, आप सभी को पता ही है। और यहाँ पे देखिए ब्रेकफास्ट में मैं क्या क्या बना रही हूँ आपके साथ दिखा रही हूँ आपको। अभी बैक कैमरा दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। काफ़ी कुछ बन चुका है क्योंकि मैंने आज फोन लगाना बिल्कुल भूल गई थी, शूट करना बिल्कुल भूल गई थी, तो बन चुका है। और बनेगी हमारी मैंगो लस्सी, तो दो चीज़ें बनाएंगे ब्रेकफास्ट में और खूब इंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट को, तो चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में सबसे पहले मैंने मैक्रोनी बनाई है, तो आप देख ही सकते हैं इसमें बहुत सारे कॉर्न और अनियन, टमाटर, जो भी आप बोल सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने बना ली थी। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, और ये एक्स्ट्रा बॉयल हो गया था गाइस, तो ये मुझे फ्रिज में भी स्टोर करके रखना पड़ा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, और कॉर्न भी एक्स्ट्रा बॉयल हो गए थे, तो मतलब एक बार के लिए मुझे आइडिया ही नहीं लगा मुझे कितना बनाना है। और यहाँ पर ज़्यादा बॉयल हो चुके हैं तो वो बाद में मैं रख दूँगी फ्रिज में, बाद में बना लूँगी। और यहाँ पर ये मेरे बनकर
बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने आपको बोला था आज मैंगो लस्सी बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने छाछ ले लिया है एक पैकेट, और इसके अंदर अब हम छाछ को ऐड करेंगे पूरे पैकेट को, क्योंकि 3 ग्लास बनाएंगे तो पूरा पैकेट तो लग ही जाएगा। तो बस अब इसके अंदर छाछ ऐड हो जाएगी, इसके बाद मैं इसके अंदर मैंगो का जो पल्प होता है वो ऐड कर दूंगी, और बहुत यम्मी बनता है। मतलब अगर आप दूध की बात करें तो दूध से टेस्टी ज़्यादा बनता है, और ये मैंगो के पल्प है तो उसके अंदर चला मैंने ये भी ऐड कर दिया है, और क्योंकि लस्सी थोड़ी खट्टी होती है तो इसमें चीनी ऐड होगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, यह ठंडा पानी है, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी शुगर। तो यहाँ गया चीनी, ये पिसी हुई चीनी है, ऐसी चीनी का ही यूज कीजिए, बहुत अच्छा बनता है, अदरवाइज़ मुँह में चीनी आती है। तो बस यहाँ पर ये हो चुका है, और अब इसको मैं ब्लेंड कर दूँगी गाइस, और ब्लेंड करने के बाद यम्मी यम्मी ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं गिलास में डाल दूँगी और फटाफट से सबको मैं सर्व कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रही थी मैं, 11 बज चुके थे, तो फटाफट से मैंने सोचा चलो बना के फटाफट खा लेते हैं, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी हुई थी। तो चलिए चलते हैं, और अब इसे मैं सर्व करती हूँ, फैमिली के साथ इंजॉय करती हूँ। यम्मी हलवा बनाया दादी ने, मजा आया, बहुत अच्छा लो आईडी। मैंने नहीं बनाया था, दादी ने भेजा है, ले लो, मजा आ गया। खा रहे हो जल्दी जल्दी हलवा खा रहे हो, आओ रूम में चले बेडरूम में। वो तो मम्मी बनाया, किशमिश इसलिए डालते हैं सेहतमंद होता है किशमिश, इसलिए डालते हैं किशमिश, और क्यों डालते। तो अभी रात हो गई है और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सा सोबर सा खाना बनाने वाली हूँ जो जल्दी बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी होता है। तो यहाँ कुकर में घी डाल दिया है, घी के बाद 2 तेज़पत्ता डाल दिया है मैंने, और तेज़पत्ता डालने के बाद लौंग डाल दिया है, लौंग के बाद मैंने डाल दिया है क्या कहते हैं इसको काली मिर्च, और 1 इलायची खड़ी डाल दी है मैंने, और 1 खड़ी इलायची मैंने कूट कर डाली है जो मसाले वाली होती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, और बहुत ही अम्मी सा पुलाव कम बिरयानी बना कर दूंगी आज पवन को और बच्चे को। तो यहाँ पर ये मैंने सब्जियाँ काट ली हैं, ब्रोकली है मेरे पास, और ये आलू है, और इसके पास कद्दूकस करके मैंने इसमें जिंजर मतलब कि अदरक डाल दिया है। और मैं बता दूं आपको, मैं आज इसलिए ये सब्जी बना रही हूँ, ब्रोकली ज़्यादा आजकल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पवन को ब्रोकली और मशरूम खाने के लिए डॉक्टर ने भी बोला है। और बस इसके बाद ये बन के फ्राई हो चुका है, और फ्राई होने के बाद अब इसमें मैं पेस्ट बना के टमाटर का डाल रही हूँ, यहाँ 2 बड़े बड़े टमाटर लिए थे। इसके बाद मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ये कुटी हुई मिर्च, इसके बाद मैं इसमें कलर वाली लाल मिर्च डाल दूंगी थोड़ी सी, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लास्ट में बिरयानी मसाला। और बस अब ये इसको मैं भून लूंगी 2 मिनट के लिए, तो कुकर का ढक्कन ऊपर से ही लगाकर मैं इसे भून रही हूँ, और भूनने के बाद हल्का सा पानी छोड़ दिया है। तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये भीगे हुए बासमती राइस, तो बस अब इसको ऐड कर दूंगी। बस इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ, जितना मैंने चावल लिया है उतना ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। और अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है इसमें, नमक मैं बिल्कुल भूल गई थी, तो अभी नमक याद आ गया तो मैंने नमक भी ऐड कर दिया। और अब बस मैं कुकर में सीटी लगाऊंगी, और हाँ इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ पुदीना के पत्ते। तो यहाँ मैं पुदीना के पत्ते धो के सुखा रखे हैं मैंने, अब इसको मैं फ्लेवर के लिए उसके अंदर ऐड कर दूंगी, बहुत अच्छा लगता है से भी खाना। तो यहाँ पर मैं पुदीना के पत्ते ऐड कर रही हूँ कट करके, और बस अब लग जाएगी सीटी। तो बस यहाँ पर 2 सीटी लग गई है, 2 सीटी लगने के बाद ये चावल बिल्कुल खिलकर बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस चावल के साथ हम ले रहे हैं, यहाँ पर मैं ले रही हूँ लहसुन का अचार जो कि बहुत ही यम्मी लगता है गाइस। और बस फटाफट से सबसे पहले हस्बैंड की थाली रेडी की है मैंने, हस्बैंड को फटाफट से खाना दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का खाना रेडी हो गया है और अभी सो रहे हैं, तो उनको उठाती हूँ फटाफट से खाना देती हूँ, लेट हो रही थी काफ़ी मैं। तो गाइस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, चैनल पर पहली आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कल मिलूंगी आपके साथ नए व्लॉग्स में, थैंक यू गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।